सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं विक्टर कैलकुलस का एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें 9 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं और ये 10th वीडियो है विक्टर कैलकुलस का। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ बताया था। आज मैं ग्रीन्स थ्योरम का वेरिफिकेशन बताऊंगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में जो भी वीडियो है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, चाहे वीडियो क्वालिटी हो या साउंड क्वालिटी हो या टीचिंग स्टाइल हो या जो भी चीज़ आपको लगे कि इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप अपना फीडबैक अवश्य दें। आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को वेरीफाई करने के पहले मैं ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझा रहा हूं। आप इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए। स्टेटमेंट क्या है ग्रीन्स थ्योरम का, कि एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन पर कोई क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अगर कोई कर्व इंटरसेक्ट कर जाता आपस में तो इसको क्लोज्ड तो जरूर है लेकिन ये सिंपल नहीं कहलाएगा। आपस में अगर इंटरसेक्ट नहीं करे तो उसको हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे। तो ये मान लीजिए कोई कर्व है एक्स वाई प्लेन में और इससे जो बाउंडेड रीजन है इस रीजन को हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम का कहना है कि अगर इस रीजन में कोई भी दो फंक्शन, एक साई फंक्शन जो एक्स वाई का होगा और एक फाई फंक्शन, ये दो फंक्शन अगर इस रीजन में डिफाइंड है और साथ में इस रीजन में कंटिन्यूस भी है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, तो ग्रीन्स थ्योरम का कहना है कि इस फंक्शन का, कौन सा फंक्शन, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई का जो लाइन इंटीग्रल होगा इस कर्व में, ये क्लोज्ड कर्व का सिंबल है कि क्लोज्ड कर्व में हम लोग को लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई का जो लाइन इंटीग्रल होगा अलोंग द कर्व हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। और किसका सरफेस इंटीग्रल, देखिए फाई को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और फिर साई को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल साई डिवाइडेड बाय डेल वाई, और दोनों का डिफरेंस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि सरफेस इंटीग्रल इस आर रीजन में इंटीग्रेट करना है, इस सरफेस में इंटीग्रेट करना है, तो इस सरफेस इंटीग्रल और ये लाइन इंटीग्रल दोनों इक्वल होता है। ये कौन सा सरफेस इंटीग्रल है या किस फंक्शन का, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि डी वाई के साथ जो फंक्शन होता है फाई, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया गया, वाई के साथ जो फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो एक्स के साथ है उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है और ये दिखाना है कि इस लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो यही ग्रीन्स थ्योरम का कहना है कि ये दोनों इक्वल होता है। हम लोग इस क्वेश्चन में यही चीज़ को वेरीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के लिए ऐसा ही इंटीग्रल है यहाँ पर, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई, देखिए ये साई हो गया, साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये साई फंक्शन हो गया और ये जो फंक्शन है वो फाई फंक्शन हो गया। डी एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो साई फंक्शन और डी वाई के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो फाई फंक्शन, तो डी एक्स के साथ ये साई और डी वाई के साथ ये फाई हो गया। तो यहाँ पर साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई के फॉर्म में ये लाइन इंटीग्रल है, तो वेरीफाई करना है इसी लाइन इंटीग्रल को, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है इसी इंटीग्रल को लेकर के, जहाँ पर हम लोग जो कर्व सी जो होगा वो कौन सा कर्व होगा, वेयर सी इज द स्क्वायर विथ वर्टिसेस दिस, ये चार पॉइंट से जो स्क्वायर बनेगा तो वही कर्व होगा, और कौन सा स्क्वायर बनेगा मैं अभी फिगर में बताऊँगा, तो उसी कर्व के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट करना है और फिर
सरफेस इंटीग्रल भी इसका निकालना है और चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हो गया इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा यानी ग्रीन्स थ्योरम सही है। तो चलिए देखते हैं अब कैसे इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। फ्रेंड्स जो कर्व दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन बना रहे हैं, एक्स एक्सिस बना लिए और वाई एक्सिस। तो कौन कौन सा वर्टिसेज दिया हुआ है स्क्वायर का, सबसे पहले तो 0 0 दिया हुआ है, ये ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0। फिर 2 0, तो 2 0 एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, मान लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 0। दूसरा 2 2 है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 2 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 होगा। ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर मान लीजिए ये डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पर बी पॉइंट 2 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और फोर्थ पॉइंट है 0 2 0 2, जो है वो वाई एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये जो पॉइंट आएगा सी इसका कोऑर्डिनेट 0 2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2, ये भी डिस्टेंस 2 है। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है इसी स्क्वायर में हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इसी स्क्वायर को ये कर्व सी कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ जो कर्व है वो यही कर्व, और कर्व में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करके इंटीग्रेट करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन कि लेट यहाँ पर लिखेंगे कि ओ 0 0, ए 2 0, बी 2 2 एंड सी 0 2 बी गिवन वर्टिसेज ऑफ बी वर्टिसेज ऑफ गिवन स्क्वायर, जो स्क्वायर दिया हुआ उसका ये वर्टिसेज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बाय ग्रीन्स थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर ये जो लाइन इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई, ये किसके इक्वल होगा, ये जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा। तो मैं अभी बताया था ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट में ये सरफेस इंटीग्रल के इक्वल आएगा। तो सरफेस इंटीग्रल में क्या था कि डी एक्स के साथ जो फंक्शन होता है उसको वाई के रिस्पेक्ट में, और डी वाई के साथ जो फंक्शन होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई के साथ ये फंक्शन है, सबसे पहले ये वाला लिखते हैं, तो डी वाई के साथ जो फंक्शन है उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और 2xy है, ये dy नहीं, यहाँ पर 2xy है, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy के साथ जो फंक्शन है, और dx के साथ जो फंक्शन है इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस का इंटीग्रल निकालते हैं, लाइन या सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं x और y के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों इक्वल दिखाना है। क्या हम लोग किए हैं कि डी वाई के साथ जो फंक्शन है उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, और डी एक्स के साथ जो फंक्शन है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, और दोनों के डिफरेंस का ये सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड निकालते हैं, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड हम लोग निकालते हैं 1 का, राइट हैंड साइड इक्वल टू है ये सरफेस इंटीग्रल आर रीजन में, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस 2y आएगा, और जब यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस 3xy स्क्वायर, और ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। अब जरा ध्यान दीजिए ये क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस 2y हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3xy स्क्वायर। और अब जरा समझिए, सबसे पहले हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर x के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग कैसे यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, r रीजन में इंटीग्रेट करना है, यही रीजन r है, ये कंप्लीट रीजन जो है वो r है।
तो आर रीजन में क्या लिमिट होगा? तो लिमिट निकालने के लिए अगर वाई के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले, तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए। इसको कई फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस रीजन को। तो कोई भी एक स्ट्रिप हम लोग लेते हैं और उस स्ट्रिप में देखते हैं कि पॉइंट कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। तो ये पॉइंट यहां से यहां तक वैरी कर रहा है। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट चेक करेंगे कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस का प्रत्येक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और यहां का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2 है। तो इस पर जितना भी पॉइंट होगा उस सभी का वाई कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 2 हो गया, यानी कि यहां पर वैरी कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट 0 से 2 तक। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 और इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। अब एक्स, उसके बाद फिर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पहला स्ट्रिप कहां शुरू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स का लिमिट कैसे पता करेंगे? तो ये देखेंगे जो स्ट्रिप हम लोग इस रीजन को स्ट्रिप में डिवाइड किए हैं, तो सबसे पहला स्ट्रिप कहां से शुरू होगा? सबसे पहला स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप यहां पर आएगा। तो जो फर्स्ट स्ट्रिप वहां यहां आएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और लास्ट स्ट्रिप कहां आएगा? तो लास्ट स्ट्रिप यहां आएगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट उसका 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका लिमिट निकाल लेते हैं आर रीजन में, जो इंटीग्रेट करना था। अब इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 0 टू 2 ही रहने देते हैं, एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये लास्ट इंटीग्रल डीएक्स यहां जब लिखा हुआ है ये, तो ये एक्स ही बता रहा है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो एक्स ही वैरी करेगा, एक्स का ही लिमिट होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां इंटीग्रेट कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका हो जाएगा -2y² / 2। -2 कांस्टेंट हो गया, वाई का y² / 2, और ये 3x कांस्टेंट हो जाएगा, और y² का इंटीग्रेशन y³/3, और लिमिट है 0 to 2। तो 0 to 2 पुट कर देंगे, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में बचिए, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका लिमिट पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा? पहले 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो 2² 4, -4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे, y के जगह पुट करना है, तो 8 आ रहा है, 8x हो गया ये। और ये जो चीज़ आया है उसको फिर हम लोग को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं यहाँ पर कि क्या आ रहा है इसका इंटीग्रल, ज़रा समझिए। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो -4x हो गया यहाँ, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 8, तो कांस्टेंट है, और x का x² / 2, और लिमिट क्या होगा? लिमिट फिर 0 से 2 है, तो ये 0 to 2 हो गया। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, तो -8 हो रहा है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x के जगह 2 पुट करेंगे, तो 4 × 4 = 16, और 0 पुट करने से तो 0 आ रहा है, तो 16 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8, ये नंबर हम लोग 2 कर देते हैं। यानी कि राइट हैंड साइड जब हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू आया है 8। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अगर निकालते हैं तो वो भी अगर 8 आ गया, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग एक काम किए हैं कि ये जो लाइन इंटीग्रल निकालना था, इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किए हैं, और सरफेस इंटीग्रल का वैल्यू निकाले हैं। सरफेस इंटीग्रल बड़ा आसानी से निकला है। अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल के रूप में निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिएगा कि ये कैसे निकलता है, कितना आसान होगा इसके कंपेयर में, ये कितना आसान होगा, ये हम लोग चेक करेंगे। तो अगर किसी सवाल को बनाना हो, मान लीजिए सरफेस लाइन इंटीग्रल ही निकालना हो, तो इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। ग्रीन्स थ्योरम कहता है सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है ये, तो इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, कोई भी सवाल अगर देता है लाइन इंटीग्रल का तो। लेकिन यहाँ तो खैर वेरिफिकेशन का सवाल है कि वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम ट्रू है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को दोनों काम करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा और लाइन इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। अब ये जो लाइन इंटीग्रल हम लोग को निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार OA के अलोंग निकाल लेंगे, फिर AB के अलोंग निकाल लेंगे, फिर BC के अलोंग और फिर CO के अलोंग, ये चारों लाइन में निकाल लेंगे और चारों को ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट क्लोज्ड कर्व में निकल जाएगा। तो OA में X और Y क्या वैरी करता है, जरा देखिए कि
अलॉन्ग ओए, अगर हम लोग ओए के अलॉन्ग करते हैं तो क्या होता है, जैसा समझिए यहाँ पर ओए के अलॉन्ग जब करेंगे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से एक कांस्टेंट होगा। कौन सा? एक्स कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा, जब यहाँ पर इस लाइन में कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका वेरी करेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा। वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन पर जितना भी पॉइंट होगा सभी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस के प्रत्येक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो अलॉन्ग ओए वाई जो है वो जीरो होगा, और जब वाई जीरो होगा तो इसका डिफरेंशियल भी जीरो होगा, डी वाई भी जीरो होगा, एंड एक्स वैरीज। और एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा ये देखिए, एक्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट टू है, तो एक्स वैरीज फ्रॉम जीरो टू टू, जीरो से टू तक ये वैरी करेगा। इसी तरीके से हम लोग ओ ए बी लाइन के लिए देखते हैं कि अलॉन्ग ए बी इसमें क्या होता है, ए बी लाइन में कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है। ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल और टू पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टू है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा, टू से पास कर रहा है तो, यानी कि इसके प्रत्येक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा टू होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो टू होगा। जब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे तो टू का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और वाई वैरी करेगा, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट वैरी करेगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट टू है, तो वाई वैरीज फ्रॉम जीरो टू टू, यहां पर फ्रॉम जीरो टू टू वैरी करेगा। फिर हम लोग जब बी से सी आएंगे तो अलोंग बी सी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, बी सी के अलोंग में ये क्या होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। ये देखिए, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये ओरिजिन से टू डिस्टेंस से है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन वाई इक्वल टू टू हो जाएगा, क्योंकि ये टू डिस्टेंस से पास कर रहा है ओरिजिन से, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसका टू होगा, और जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो डी वाई निकालेंगे तो टू का डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, और एक्स वैरी करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, यहाँ इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, बी से सी की ओर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को लाना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट टू है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एक्स वैरीज फ्रॉम जीरो टू टू जीरो, टू टू जीरो आ रहा है ये। अब हम लोग फिर जब सी से ओ के अलोंग आएंगे तो अलोंग सी ओ इस डायरेक्शन में देखिए, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो, यानी इसका प्रत्येक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो डी एक्स भी क्या हो जाएगा, डी एक्स भी जीरो हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर वैरी करेगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट टू है और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, एंड वाई वैरीज फ्रॉम जीरो टू, फ्रॉम जीरो टू, सॉरी टू टू जीरो, टू से जीरो तक वैरी करेगा, फ्रॉम यहाँ पर भी होगा। अब जरा देखिए, हम लोग को ये निकालना है, अभी हम लोग ये तो निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू 8 आया, अब लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट है ये, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू अब यहाँ से बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, तो ये कैसे निकालेंगे, ये पूरे कर्व अलॉन्ग क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग निकालना है लाइन इंटीग्रल, तो क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैं बताया था अभी कि OA के लिए अलग निकाल लेंगे, क्योंकि OA का प्रॉपर्टीज अलग है, OA का नेचर अलग है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वैरी करने का तरीका अलग है, AB का तरीका अलग है, BC का अलग है, CO का अलग तरीके से वैरी कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, OA में हमेशा सेम तरीके से वैरी कर रहा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर OA के लिए अलग हम लोग निकाल लेते हैं, ये हम लोग OA के अलॉन्ग करेंगे, इसी का इंटीग्रल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई, और फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग AB के अलॉन्ग कर लेते हैं इंटीग्रल, यही इंटीग्रल को AB को अलॉन्ग कर लेते हैं, तो यही सेम इंटीग्रल रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई, हम लोग क्या किए, ओ ए में कर लिए, फिर ए बी में, फिर बी सी में कर लेंगे, फिर सी ओ में, और सभी को ऐड कर देंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन इंटीग्रल निकालना है वो बी सी के अलॉन्ग निकालते हैं, और यही फंक्शन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यू इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इंटू डी वाई,
और फिर लास्ट एक और हम लोग को निकालना है CO, CO के अलोंग निकाल लेते हैं सेम फंक्शन, और उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट आया है उस लिमिट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए OA के अलोंग, OA के अलोंग हम लोग यहाँ पर लिखे हैं y जीरो है और dy भी जीरो है, तो y OA में हम लोग जो कर रहे हैं y जीरो है, तो y जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर बच रहा है, dx बच रहा है, और dy भी जीरो है तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। और जब x यहाँ पर बच रहा है तो x का वैरी, x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, x वैरीज फ्रॉम 0 to 2, तो इसमें लिमिट जो लगाएंगे 0 to 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद AB के अलोंग देखते हैं, ये इंटीग्रल AB के अलोंग में x 2 है और dx 0 है, तो dx 0 होने के कारण ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, तो माइनस 4y, और फिर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो आप देखिए AB के अलोंग में y वैरी कर रहा है 0 से 2, तो यहाँ पर हम लोग 0 से 2 लिखेंगे। फिर इस इंटीग्रल BC में देखिए, तो BC में कौन सा 0 है या क्या है, y 2 है और dy 0 है, तो y का वैल्यू 2 और dy 0 पुट करेंगे, dy 0 पुट करेंगे BC में तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और इसमें y की जगह 2 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर और y की जगह 2 पुट करेंगे तो 8x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अब dx, अब x कहाँ से कहाँ तक BC में वैरी कर रहा है, तो BC में देखिए x वैरी कर रहा है फ्रॉम 2 टू 0, तो ये 2 से 0 हो जाएगा। और फिर एक लास्ट CO है, तो CO में क्या हो रहा है, x 0 है और dx भी 0 है, तो x 0 और dx 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ x 0 करेंगे तो ये इंटीग्रल में आएगा y स्क्वायर, और x 0 कर दिए तो यहाँ सिर्फ dy आ रहा है, और y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है 2 से, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, CO में देखिए 2 से लेकर के 0 तक वैरी कर रहा था, तो फ्रॉम 2 to 0 होगा, तो 2 से 0 तक वैरी कर रहा है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा समझिए, ये सबसे पहले x स्क्वायर है, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यू बाई 3 हो जाएगा, लिमिट है 0 to 2, तो ये इंटीग्रल आ रहा है x क्यू डिवाइडेड बाई 3 और इसका लिमिट है 0 to 2। फिर नेक्स्ट कौन सा इंटीग्रल है, देखिए यहाँ y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्यू डिवाइडेड बाई 3 आएगा, y क्यू डिवाइडेड बाई 3, और माइनस फिर आगे है ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2y बच रहा है, तो माइनस 2y, और इसका लिमिट है 0 to 2, आप चेक कीजिए, देखिए 0 से 2 इसका लिमिट है। अब फिर इसका इंटीग्रल देखिए इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 और माइनस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस एक्स क्यू बाई 3 और यहाँ आ रहा है माइनस, इसका आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया, और लिमिट क्या है, इसका लिमिट है 2 to 0, तो यहाँ पर 2 to 0 हो गया। प्लस फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पर y स्क्वायर का आप देखिएगा तो y क्यू बाई 3 और इसका लिमिट क्या है, लिमिट है 2 to 0, तो ये 2 से 0 हो गया। अब हम लोग लिमिट बैठाएंगे तो 2 पुट करने से 8 by 3 और 0 पुट करने से तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर अपर लिमिट बैठाएंगे तो 8 by 3 माइनस 4 और 0 पुट करने से 0, इसका यहाँ पर देखिए 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने से पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में 2 पुट करते हैं तो 8 by 3 और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16, माइनस 16 आ रहा है, और यहाँ पर फिर हम लोग पुट करते हैं 0 पुट करने से तो 0 हो जाएगा और 2 पुट करने से 8 by 3, तो देखिए 8 by 3 ये माइनस में प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 8 by 3 माइनस 8 by 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अब बच क्या रहा है, माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 16, तो 16 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, अब पहले भी देखे थे कि पहले क्या आया था, पहले भी 8 आया था, लेफ्ट हैंड साइड जो निकाले थे वो भी 8 आया था और राइट हैंड साइड निकाले वो भी 8 आया, तो इसको हम लोग नंबर 3 कर देते हैं, तो फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब हेंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ग्रीन्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गया, ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये
एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोग एक फंक्शन से हम लोग ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई किए। अब ये आप बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा लगा, कि लाइन इंटीग्रल से हम लोग निकालते हैं तो ज़्यादा आसान होता है, या उसको कन्वर्ट कर दे सरफेस इंटीग्रल में ग्रीन्स थ्योरम के हेल्प से उसके बाद इवेलुएट करें तो कौन सा आसान होगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि ग्रीन्स थ्योरम के कन्वर्सन के बाद, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद आसान होता है इंटीग्रल निकालना, या फिर लाइन इंटीग्रल को डायरेक्ट निकालना आसान होता है। तो अगर कोई सवाल दे कि इसको इवेलुएट करना है तो आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद अगर निकालते हैं तो आसान होगा मेरे समझ से। अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।